हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू ज्ञान। तो आज जो है हम द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं 23 जून का। तो पहला जो आपका न्यूज़ है जो फ्रंट पेज का वो है पार्लियामेंट प्रोजेक्ट्स रिटर्न फॉर फाइनल डिटेलिंग। तो ये जो पार्लियामेंट प्रोजेक्ट है ये बात हो रही है सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है आपका, जो डेवलपमेंट है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बिल्डिंग का, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो एरिया है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो कहा गया है, तो उसको लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम आया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन। ये जो इन्होंने अभी इसको अप्रूव नहीं किया है, कुछ प्रोजेक्ट इनके पास गया था, कुछ डिटेल इन्होंने मांगा है और माइनर डिटेल, ताकि वो एप्लीकेशन को अप्रूव कर सके उनको। तो ये बाकी आपको न्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट आपका ये DUAC को जानने की, ये बेसिकली एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, मतलब एक स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेटरी बॉडी क्या होता है आपको? स्टेटरी बॉडी ये होता है जो कि पार्लियामेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू बनाया गया हो, कोई एक्ट में उसको रखा गया हो, या फिर पहले से कोई एक्ट है जिसके थ्रू वो बनाया गया हो, तो उसे हम स्टेटरी बॉडी कहते हैं। तो ये हो गया आपका DUAC, वैसे ही एक बॉडी है। इसका काम क्या है? टू एडवाइज दिस सेंटर ऑन द मैटर ऑफ प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ द कैपिटल्स अर्बन एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। बेसिकली जो है इन्वायरमेंट जो है सिटी का, कैपिटल जो हमारा दिल्ली है, उसको लेकर के उसका अर्बन डिजाइन जो इन्वायरमेंट डिजाइन है वो बना रहे, वो सही रहे, उस पर लेकर ये एडवाइजरी बॉडी इन तरह से एडवाइस देती है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भाई आपको ये करना चाहिए, ये यहाँ पर आप चेंजेस ला सकते हैं। तो ये बेसिकली एम है, ये आपको जानने की जरूरत है आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका UPSC के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली, और इसमें कुछ खास पढ़ने को नहीं। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या आपने सुना ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पे एक डिटेल्स का बता देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली जो है लुटियंस जो दिल्ली कहते हैं, जो मेन दिल्ली है वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट बिल्डिंग जैसे कि पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट, इनको बनाने की, चेंज करने की बात है। पहला है कि ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाया जाएगा जो अभी है, उसके नेक्स्ट में उसको हटाया नहीं जाएगा, बट उसके नेक्स्ट में बनाया जाएगा। एक कॉमन सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा, जैसे कि अभी जो अलग अलग सेक्रेटेरिएट है, नॉर्थ ब्लॉक है, साइड ब्लॉक है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अलग है, और हर जो डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री, उनकी अलग अलग बिल्डिंग्स है अगर आप देखें तो, उनको हटा करके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाने की क्या बात है इसमें। राजपथ जो है जहाँ पर परेड देखते हैं आप न्यूज ऑनलाइन और ये जो वहाँ जा करके, उसको चेंज करने की बात है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की बात है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो है जिसमें कि अभी है ना मेन ऑफिसेज है, PMO है, बिल्डिंग्स है, उसको म्यूजियम्स बना दिया जाएगा अगर ये यहाँ पे अगर शिफ्ट होने के बाद। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली के लिए। तो गवर्नमेंट का जो आर्गूमेंट है कि क्यों भाई हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, क्यों इतना चेंजेस कर रहे हैं, पहला है कि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है ये उतना एडिक्वेट नहीं है कि सारे MPs को ऑफिसेज दिया जा सके, जो पार्टी को ऑफिस चाहिए उसमें वो नहीं हो सकता है, अपनी जगह नहीं वहाँ पर। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है जैसे हमने कहा कि अलग अलग जगहों पर है, आप देखेंगे रेल भवन है, संचार भवन है आपका, कृषि भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे है तो जाने आने में और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत होती है। एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रहेगा तो उससे क्या होगी, आसानी होगी, फाइल मूवमेंट आसान होगा, जल्दी से वो हो पाएगा, अननेसेसरी ट्रेवल जो होता है ऑफिसर्स को ट्रेवल करना पड़ता है वो आप कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन उससे कम होगा, और जो अभी जो बिल्डिंग्स है ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो उतना सपोर्टिव नहीं है, तो एक नई बिल्डिंग का इसीलिए प्रपोज किया गया। तो ये गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आपको ऑब्जेक्टिव में काफी ये ना आने के चांसेस हो सकता है आपको, तो इसको आप ध्यान में रखें। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बेसिकली कहा है दिल्ली का। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, अभी हम सेंट्रल विस्टा को अगर हम देखें तो है क्या बेसिकली, ये राष्ट्रपति भवन इसमें है, पार्लियामेंट आता है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक आ गया, इंडिया गेट जो राजपथ की बात हमने की, नेशनल आर्काइव है वहां पर, और इसमें जो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, ये जो लुटियंस कहा जाता है इसको, तो बेसिकली इसका नाम जो पड़ा है आपका एडविन लुटियंस के नाम पे पड़ा है, जिन्होंने इस शहर को बनाया बेसिकली, इस एरिया को। और इसके साथ साथ हर्बर्ट बेकर है जिन्होंने इस आर्किटेक्ट है, दोनों जिन्होंने इस आर्किटेक्ट किया है उस बिल्डिंग्स का, जैसे कि पार्लियामेंट हाउस जो बिल्डिंग है वो लुटियंस और बेकर दोनों ने मिलकर बनाया, डिजाइन किया इसको। राष्ट्रपति भवन जो अभी है जहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस जो कहते हैं वो एडविन लुटियंस ने उनको डिजाइन किया था। सेक्रेटेरिएट है जिसमें कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आता है वो हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था, तो काफी पुराना स्ट्रक्चर है दोनों सारे सारे, और ये है ब्रिटिश के समय में इसको डिजाइन किया गया था जब कैपिटल शिफ्ट हुआ दिल्ली कोलकाता से। तो ये सारे जो बिल्डिंग्स है ये आर्किटेक्ट है जिनके नाम पर ये लुटियंस जो एरिया पड़ा है। तो अगला न्यूज की तरफ मूव करते हैं हम।
ये एडिटोरियल है आपका, इन एंटी रेसिज्म फाइट द लिंकन डी जॉनसन्स ऑप्शन। ये बेसिकली इसमें जो है आपका यूएस में जो एंटी रेसिज्म का चल रहा है, जॉर्ज जो फ्लॉयड है उनके डेथ के बाद जो एंटी रेसिज्म चल रहा है, ब्लैक व्हाइट वर्सेस जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर के कुछ सजेशन इसमें दिया गया है। ज़्यादा कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेसिकली जो इसमें सजेशन दिया है राइटर ने, राइटर आपका दीपांकर गुप्ता, ये बेसिकली सोशोलॉजिस्ट है स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज JNU में। इन्होंने ट्रेनिंग जो दिया है कि सजेशन की पुलिस ट्रेनिंग जो है, जैसे कि इसमें इस केस में क्या था आपका, पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड को एक ना वो मर गए थे उसमें उनको चोक कर दिया था जिसके कारण उनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें जो इसके अलावा ही बहुत सारे इंसिडेंट इन्होंने दिया है जिन्हें पुलिस के हाथों तो ब्लैक जो है लोग मारे गए हैं। तो यहाँ सजेशन जो दिया है ने कि पुलिस ट्रेनिंग जो है उसको हमें मजबूत करने की जरूरत है, यूएसए के लिए बताया है उन्होंने। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर जो है, फंडिंग जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, ये सारी चीजों को और फिर से देखने की जरूरत है, उसको और सटीक करने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है उसमें। बारह जैसे इन्होंने 12 इंसिडेंट्स दिए हैं जिसमें कि कोई ज्यादा उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, ऑफिसर्स के ऊपर, पुलिस ऑफिसर के ऊपर जो लिया जाना चाहिए था। उसके अलावा इन्होंने कंपेयर किया है यूरोपियन पुलिस को यूएस पुलिस से। तो इसमें कहा गया है कि जैसे कि डिफरेंस जो है बेसिकली यूज ऑफ गन्स इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ बेटर ट्रेनिंग। तो बेटर ट्रेनिंग है यूरोप की पुलिस में, बेटर ट्रेनिंग है, वहाँ पर ऐसे इंसिडेंट्स कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद वहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग है, कंसिस्टेंट ट्रेनिंग दी जाती है, ज़्यादा घंटे की ट्रेनिंग होती है यूरोप में कंपेयर टू यूएस। तो ये सब चीज़ें को देखने की जरूरत है, ये बेसिकली राइटर का कहना है। तो मतलब कि पुलिस ट्रेनिंग जो है हमें ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो उसको मजबूत करने की जरूरत है। ये आपका एग्जाम से कैसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो यहाँ पे मान लीजिए जैसे यहाँ पे एंटी राइट होता है आपका, बहुत बार पुलिस के ऊपर सवाल उठता है, तो उसमें आप ये सजेशन दे सकते हैं कि भाई हमें ये ट्रेनिंग जो है पुलिस मान लो या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनको सोशल ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वो सोसाइटी के जो डिफरेंट हमारे यहाँ जो ग्रुप है, SC हो गए, ST हो गए, दलित हो गए, माइनॉरिटीज हो गए आपका, या वीमेन हो गए आपका, तो इन चीजों के ऊपर उनको और ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत है ऑफिसर्स को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हो, ताकि जो रूल्स हैं, लॉ है, उनको ह्यूमन तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और सही तरीके से इनको न्याय मिल सके। तो ये आप अपने यहाँ पे एग्जाम में UPSC में इसको आप यूज कर सकते हैं, इस सजेशंस को। नेक्स्ट भी आपका एक एडिटोरियल है, वे आउट ऑफ अनडिलीनेटेड बॉर्डर। ये बेसिकली इंडिया नेपाल जो कंट्रोवर्सी अभी है, जो नेपाल ने अपना मैप चेंज किया कल्पानी एरिया को लेकर के, लिपु लेक पास को लेकर के, उसके ऊपर बेसिकली राइटर ने यहाँ पर हिस्टोरिकल बताया है कि कैसे जो हिस्ट्री में कैसे ब्रिटिश इंडिया के साथ जो बॉर्डर ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके बाद उसमें है ना क्या क्या उन्होंने दिया था, क्या बाउंड्री थी, इसको बेसिकली यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो ज़्यादा कुछ रेलिवेंस नहीं उसके हिसाब से, आप कि हिस्ट्री आपको नहीं आएगा। तो ये जो बेसिकली कहा गया कि ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है, इंडो नेपालीज वॉर जो हुआ था उसको खत्म होने पर ये ट्रीटी साइन हुई थी। इसमें जो कहा गया था काली रिवर जो है, ये नेपाल और इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया उस समय जो था उसका बाउंड्री होगा वेस्टर्न साइड में। ईस्टर्न साइड में गंडक रिवर है, तो वेस्टर्न साइड में काली रिवर बाउंड्री होगी। तो इसको लेकर के उसके बाद ब्यांस वैली जो है उस पर डिस्प्यूट था, जो तो कुछ पार्ट ऑफ ब्यांस वैली जो, ब्यांस वैली बेसिकली जो आपका ये उत्तर प्रदेश का बाउंड्री रीजन जो है, तो इसको ब्यांस वैली को भी कुछ पार्ट उनको दिया गया था नेपाल को। फिर लिपु लेक पास की बात है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हिस्ट्री बताई गई है, कुंती वैली। उसके एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका तिंकर, जो कि है ना बॉर्डर एरिया है चाइना नेपाल का। तो ये सारी चीजें को बताया गया है बेसिकली कि है ना कैसे यहाँ पे हिस्ट्री हुआ है आपका। यहाँ पे राइटर ने अपना सजेशन दिया, ट्रीटी हैज टू बी इंटरप्रेटेड विद रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रीटी वाज कंक्लूडेड। तो उस समय का हमें देखना है जब ट्रीटी बनी थी, ऐसा नहीं कि उसको अभी के समय में, हमें एक्सपर्ट के समय में देखना है, अगर बॉर्डर चेंज हो गया है, रिवर कोर्स चेंज हो गया है, या फिर लोग वहाँ पे जो है वहाँ का कम्युनिटी चेंज हो गई है, तो हमें उस समय जब ट्रीटी हुआ था उस समय का हमें देखना है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट किया है बेसिकली, उसको हमने ऑलरेडी कवर किया है एडिटोरियल, पिछले एडिटोरियल्स में उसको आप देख सकते हैं। इंडिया नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ, बेसिकली ये जो है रोड बनाया गया था अभी लद्दाख के लिए, सॉरी है ना कैलाश मानसरोवर के लिए, डिफेंस मिनिस्टर इसको इनॉग्रेट किया था, जो कि कल्पानी रीजन के होते जाता है, जिसके लिए बॉर्डर डिस्प्यूट फिर से आया। ऊपर से 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना, तो उस समय जो है भारत सरकार ने नवंबर में एक नया मैप लेके आई जिसमें
जिसमें कल्पानी रीजन को इंडिया का पार्ट दिखाया गया, इसके कारण डिस्प्यूट जो है फिर से नया हो गया। वैसे अगर डिस्प्यूट जो है पुराना चल रहा है, तो इसके बाद जो नेपाल ने फिर से एग्रेसिव पोस्चर लिया अपना, तो ये सारा डिस्प्यूट का हिस्ट्री है। अगर आपको लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं कि क्या डिस्प्यूट का रीजन है, एक बैकग्राउंड आप दे सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स आया है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। पहले आपका एंग्लो नेपालीज वार, सॉरी, तो नेपालीज वार जो बेसिकली गुरखा वार भी कहा जाता है, ये आपका हिस्ट्री के लिए बता दूँ इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री में आ सकता है आपको, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, क्योंकि तो हम बहुत बार इस न्यूज में आया है। तो गुरखा वार कहा जाता है, ये बेसिकली किंगडम ऑफ गुरखा जो कि अभी नेपाल है प्रेजेंट डे, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय इंडिया में राज कर रही थी, इन दोनों के बीच में एक वार हुआ था बड़ा डिस्प्यूट के कारण। और इसमें जो है इसका खत्म कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ खत्म होने पर ट्रीटी ऑफ सुगौली साइन किया गया था 1816 में, इसमें कि नेपाल हारा था तो नेपाल ने बहुत सारी ट्रीटी जो है उसकी ब्रिटेन ने अपने अंदर ले ली थी, ब्रिटिश इंडिया ने जो कि अभी इंडिया है। इस ट्रीटी के मुताबिक नेपाल का कुमाऊं गढ़वाल रीजन का जो कंट्रोल था वो छोड़ना पड़ा उसको, ब्रिटिश इंडिया में आ गया ये पार्ट, और सिक्किम जो है ये भी इंडिया का पार्ट हो गया। उसके अलावा जो नेपाल ने अपना जो वेस्ट ऑफ रिवर काली जो क्लेम था उसको छोड़ दिया। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी जिसके कारण अभी भी जो है बॉर्डर डिमार्केट है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसमें क्या क्या है, काली रिवर जो है बेसिकली बाउंड्री होगी इंडिया और नेपाल के बीच में, इसको आप ध्यान रखें, इंडो नेपालीज वार क्या, इंडो नेपालीज। इसके अलावा जो डिस्प्यूट का मैंने बताया, डिस्प्यूट का रीजन क्या है, बेसिकली ये जो काली रिवर है इसका ओरिजिन को लेकर के, कि भी कहाँ से ओरिजिन होती है, और इसको तो ये बॉर्डर है इसीलिए नेपाल का अलग क्लेम है इसका ओरिजिन को लेकर के, और इंडिया का अलग क्लेम है इसके ओरिजिन को लेकर के, कि कहाँ ये बॉर्डर कैसे लिमिट होगा। ओके, कल जो रिवर है काली रिवर यही बाउंड्री है, तो इसका ओरिजिन से लेकर इसका फ्लो जो है उसको जानना होगा ताकि हम समझ सके भी बॉर्डर कहाँ पे हमारा है। इंडिया क्लेम करता है कि रिवर कल्पानी रीजन में स्टार्ट होता है जहाँ पे इसकी सारी ट्रिब्यूटरी जो है मर्ज होती है, इसीलिए ये बॉर्डर है आपका। वही नेपाल जो है क्लेम करता है कि रिवर है काली रिवर ये स्टार्ट होती है लिपू लेक पार्क पास के पार्क जहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी ओरिजिन होती है। इनका कहना है कि ट्रिब्यूटरी जहाँ से शुरू हो रही है वो भी हम लेंगे ओरिजिन रिवर का, तो लिपू लेक पास से लेकर के ये नेपाल इसको बोल रहा है कि ये हमारा है, क्योंकि तो काली रिवर जो है वो बाउंड्री है, तो काली रिवर का ओरिजिन से लेकर के जो जहाँ से वो फ्लो कर रही है वो सारा जो उसका बाउंड्री होगा। ये बेसिकली झगड़ा है इंडिया और नेपाल के बीच में। लिपू लेक पास काफी इंपॉर्टेंट पास है, ये ट्राई जंक्शन पे है इंडिया नेपाल और चाइना के ट्राई जंक्शन पे है, तिब्बत जो यहाँ पे कर सकते हैं आप 2015 से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पास है जिसको लेकर के झगड़ा चल रहा है, जो अभी नेपाल ने नया मैप लिया है, ये डिस्प्यूटेड रीजन है आपका। ये कल्पानी है जो ट्राई जंक्शन पे है आपका इंडिया नेपाल और उसके चाइना के, तो ये बेसिकली यहाँ पे लिपू लेक पास आपका है, तो ये बेसिकली बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड रीजन माना जा रहा है, जो जिसको कि नेपाल भी क्लेम कर रहा है और इंडिया भी कंट्रोल करता है। तो इसके लिपू लेक पास जो है इसके बारे में हम जान रहे थोड़ा सा, ये हिमालयन पास है जो कि उत्तराखंड इधर इंडिया के तरफ बॉर्डर है और तिब्बत रीजन उधर चाइना के तरफ बॉर्डर है, बेसिकली ट्राई जंक्शन पे है ये पास जो है। ब्यान वैली जो है उत्तराखंड का जो का ये रीजन है आपका, क्या कहते हैं इसको हम, इस रीजन को कहते हैं आप कुमाऊं और गढ़वाल रीजन जो आपका है, तो कुमाऊं रीजन जो है उसी का एक पार्ट है ब्यान वैली। ब्यान वैली को कनेक्ट करता है आपका तिब्बत से जो चाइना का पार्ट है आपका, और लास्ट टेरिटोरियल पॉइंट इंडियन टेरिटोरी, तो लास्ट पॉइंट पॉइंट है, इसके बाद ही आप चाइना आ जाएंगे। ये पास एक तरह से नेपाल हैज ऑनगोइंग क्लेम्स ऑन द साउदर्न साइड ऑफ द पास कॉल्ड कल्पानी, कल्पानी के जो अभी हम देख रहे हैं क्लेम करता है नेपाल, लेकिन इंडिया इसको कंट्रोल करता है, अभी इंडिया के पोजिशन में है, और ये यूज किया जाता है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए बहुत दिनों से, इंडिया जो इसको यूज करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा जो जाती है, ये रूट जो है शॉर्ट पड़ता है, तो इसको लेकर के रोड भी बनाया गया अभी जिसके लिए इशू है, फिर से वो उभर के आया है जब डिफेंस मिनिस्टर ने इस रोड को इनोग्रेट किया था। इसके अलावा एक टर्म यूज हुआ है इस एडिटोरियल में बयान से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो बेसिकली एरिया ऑन बोथ साइड ऑफ द काली रिवर, ये जो काली रिवर है उसके बोथ साइड, सॉरी काली रिवर जो है उसके बोथ साइड में जो एरिया है कुमाऊं गढ़वाल, इस एरिया को हम बयान वैली कहते हैं, जो कि मुगल के समय में नाम किया गया था इसका, एक परगना था। यहाँ जो लोग रहते हैं उसको बयानसिस कहा जाता है, जो कि वेस्ट हिमालयन लैंग्वेज बोलते हैं उनकी भाषा जो है, इनका जो प्रैक्टिस है बेसिकली ये लिविंग ट्रेडिशनल होम्स इन हाई हिमालय, समर के समय में हाई हिमालय में रहते हैं और जब विंटर के समय में नीचे आ जाते हैं आपका धरचूला में टाउन है वहाँ पे आ जाते हैं, ठंड ऊपर ज़्यादा पड़ने लगती है।
बयान रीजन टू द ईस्ट ऑफ काली, ईस्ट ऑफ काली, ईस्ट ऑफ काली ट्रांसफर टू नेपाल, डिवाइडिंग द बयान परगना अकॉर्डिंग टू कंट्रीज। तो ये जो है इसका ईस्टर्न पार्ट जो नेपाल को दे दिया गया था ब्रिटिश इंडिया के समय में ही। तो ये बयान वैली जो इतने से आप कह सकते हैं बयानी जो है दोनों तरफ रहते हैं। ये डिस्प्यूटेड रीजन आप इसको क्लियर आप मैप में समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ये जो आपका कल्पानी है, ये टिंकर है जो ट्राई जंक्शन पे है आपका, और टिंकर रिवर है, ये काली रिवर है जिसमें इधर भी बयान वैली है इधर भी बयान वैली है। ये नेपाल का पार्ट हो गया, ये नेपाल का पार्ट हो गया, यहाँ भी बयान बयान सी से रहते हैं, बयान वैली है और यहाँ भी बयान वैली है आपका। और ये आपका कल्पानी है जो ट्राई जंक्शन पे है, कल्पानी रिवर जो है, और ये लिपू लेक पास है जो कि इंडिया से आपका तिब्बत को जोड़ता है। तो ये मैप आप समझ लें, क्योंकि अगर आपको आंसर लिखने के लिए आए तो आप जरूर मैप ड्रॉ करें, इससे आपको जरूर एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे समझने में। और जो चेक कर रहे हैं आंसर इवेल्युएटर को समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये मैप और ये आप इससे अच्छा ये आप मैप ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने पहले बताया इस मैप को भी। तो अगला आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट एडिटोरियल ये आपका लोन वॉल्फ थ्रेट। तो इसमें बेसिकली जो अभी लंदन में एक नाइफ अटैक हुआ है पार्क में उसको लेकर के है लोन। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि लोन वॉल्फ अटैक क्या होता है। ये बेसिकली जो है इसमें सिंगल पर्सन जो है वो अटैक करता है, जैसे कि बस अभी देखा पहले आपने बस चढ़ा दिया उन्होंने बहुत लोगों पर, नाइफ से अटैक कर दिया। तो बेसिकली जो सिंगल पर्सन जाता है, कोई उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपने ऑर्गेनाइज करके कुछ क्राइम किया है, सिंगल पर्सन जो है रेडिकलाइज पर्सन, ठीक है, तो उसको भगाया जाता है पहले बहुत कुछ, तो वो करने को अपने जान जान जाने को भी तैयार है, वो अकेले जाता है अटैक करने का, बंदूक से बहुत बार होता है फायरिंग कर देना, बस लेकर चढ़ा देना। तो ये काफ़ी अभी देखा गया है स्पेशली यूके में, लंदन में, और इसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंटेलिजेंस भी इसमें ज़्यादा काम नहीं आती है कि ऐसा अटैक होगा किसी के पास। ऑर्गेनाइज क्राइम में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है आपका तीन चार जगह, तो उसमें इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट कर पाती है, समझ पाती है। यहाँ पे जो है इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये क्या, इन विच एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल ट्रांसलेट देयर बिलीव्स इनटू वायलेंट क्राइम्स। तो एक इंडिविजुअल को बेसिकली आप हो सकता है आप यूट्यूब से ही उसको बहला सके, उसको फुसला सके, तो वो क्या होता है अपना जो उसको जो आइडिया है उसका जो थिंकिंग है वो बदल देते हैं आप, और उसके बाद वो जो है कुछ भी क्राइम करने को तैयार हो जाता है। तो इस ऐसे लोग को हम इस ऐसे अटैक को कहते हैं लोन वॉल्फ अटैक। एक्सट्रीमिस्ट इंडिविजुअल मतलब कि एक्सट्रीम केसेस में एक्सट्रीम उसका बिलीफ जो एक्सट्रीम कर दिया जाता है, रेडिकलाइज कर दिया जाता है, इसको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है पुलिस के लिए, इसके कारण ये काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। तो ये टैक्टिक काफ़ी है ना, अभी बहुत दिनों से एक दो तीन साल चार साल से हम देख रहे हैं इस चीज़ों को। इसमें जो राइटर ने एक सजेशन दिया है कि भी कैसे हम इसको रोक सकते हैं, मल्टी प्रोन अप्रोच, हमको अलग तरह से ना डिफरेंट एरिया से हमको उसका अप्रोच करना है। जैसे कि पहला है रेडिकलाइजेशन, ये रेडिकलाइजेशन का एक तरह से कारण है इसका। रेडिकलाइजेशन क्या होता है कि भाई आप उसने उसको ऐसे पढ़ा के कुछ लिटरेचर पढ़ाया, अपने लिटरेचर जो हमारा ग्रंथ है उसका आपने गलत मीनिंग उसको बताया कि भाई ये आप करोगे तो आपको ये मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी, आपको है ना ये आपका बिलीफ है गॉड यही चाहता है। तो ये सब चीज़ें जो बहलाने का चीज़ है उसको हम कहते हैं रेडिकलाइजेशन, कि आप उसको बहला के उसका माइंड जो है चेंज कर सके, उसको है ना गलत काम में उसको आप आगे बढ़ा सके। विच इज एंकर्ड इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, इसमें आपको जरूरत क्या है भाई, जो एजेंसी है पुलिस उसको कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब हमें लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कम्युनिटी के साथ हमें अच्छा टाइट होना चाहिए, कम्युनिटी मतलब जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा भाई इन्वॉल्व होता अगर होती है इसमें, वैसे कम्युनिटी जो माइनॉरिटीज हैं वहाँ की उनको हम इन्वॉल्व करने की जरूरत है, उनके साथ हमें सिंपैथी करने की जरूरत है, ताकि ऐसा नहीं लगे उन्हें कि भाई हमको सरकार ध्यान नहीं दे रही है, हमें जो है ना कुछ एडवांटेज नहीं मिल रहा है, हमें कुछ प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं हो, हमें उस कम्युनिटीज माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अच्छा टाई रखने की जरूरत है, ताकि हम वहाँ के कम्युनिटी लीडर जो होते हैं उनको उनके साथ हमें ना बातचीत करके वहाँ के लोगों को जो यूथ है उसको बरगलाने से रोकना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी है अगर इस लोन वोल अटैक को हमें रोकना है। तो रेडिकलाइजेशन इंडिया ने भी काफ़ी है ना इसमें स्टेप्स लिया है, ऑनलाइन भी ये जो साइट्स हैं उसको रोकने का है, जो लीडर से कम्युनिटी लीडर चाहे वो हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सिख धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, उनके साथ बैठ करके उनको
कॉन्फिडेंस में लेने का कि भाई वो अपने जो उनका कम्युनिटी है उनके सामने जा करके वो है ना लोगों को सही दिशा दे सके, बच्चों को सही दिशा दे सके, रोजगार देना जिनके पास रोजगार नहीं, कम्युनिटीज के पास उनको रोजगार देना ताकि वो बच्चे जो है वो गलत काम पे नहीं जाए। तो ये सारी चीजें जो है आप जो है डिक्लेरेशन के लिए करने की जरूरत है गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट कर भी रही है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट, आपका बेसिकली जीएस पेपर 3 जो है उसमें आप लिख सकते हैं और पेपर 1 में भी जो है सोसाइटी में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल ही है आपका प्रमोट पीपल पावर अगेंस्ट कोविड-19। तो ये बेसिकली जो है कोविड-19 के लिए जो इसमें राइटर ने कहा कि कैसे हम वॉलेंटियर को और जो कम्युनिटी लीडर्स जो है पंचायत उसको हम इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम इस चीज को टैकल कर सकें। इन्होंने सजेशन उसी चीज को लेकर दिया है कि बहुत सारे जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उतना अच्छा नहीं है, उतना मजबूत नहीं, उतने लोग नहीं है, तो हमें क्या करने की जरूरत है भाई, तो हमें जो है लोगों को इन्वॉल्व करने की, वॉलेंटियर्स को लेने की जरूरत है, एनजीओ को लेने की जरूरत है, जिसके कारण हम उसको जो कॉन्टेक्ट है जो कि जो कोविड पेशेंट है उसको हम ट्रेस कर सके। इंपॉर्टेंट क्या है कोविड में कि भाई ट्रेस कर पाना किसको किसको डिजीज है या कौन कौन उस डिजीज उस आदमी के कॉन्टेक्ट में आया है ताकि हम उसको अलग कर सके और जो स्प्रेड है उसको रोक सके। वन चैलेंज इज टू स्टॉल द स्प्रेड विद इन द अर्बन कंटेनमेंट जोन, अदर इज टू प्रोटेक्ट मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर द वायरस हैज टच वेरी फ्यू। तो एक तो कंटेनमेंट जोन में हमें रोकने की जरूरत है स्प्रेड को और स्प्रेड ना हो, और जो जो एरिया में स्प्रेड अभी उतना नहीं हुआ है जैसे कि रूरल एरिया है वहाँ हमें उसको बढ़ने से रोकने की जरूरत है। इसके लिए इन्होंने कहा कि कम्युनिटी रिसोर्सेज को हमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है। कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब से पंचायत हो गया आपका और एनजीओ हो गए आपके, वॉलेंटियर्स ग्रुप हो गए, वॉलेंट्री ग्रुप्स हो गए, इलेक्टेड लोकल बॉडीज जो हो गया जो पंचायत हो गया उनको हम इन्वॉल्व करने की जरूरत है, चाहे वो अर्बन बॉडी हो और लोकल बॉडीज हो। पंचायत बिकमिंग एक्सलेंट ऑर्गेनाइजर्स ऑफ लोकल कम, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है केरला उड़ीसा का जहाँ पे कि इन्होंने लोकल पंचायत को इन्वॉल्व किया, उन्होंने जो है अपनी एक जो वहाँ के यूथ थे उनको इन्वॉल्व किया, वहाँ के लोगों को गाँव के लोगों को किस चीज करने के लिए कि भाई वो देखिए विलेज में जाकर के सर्वे करें कि भाई किनको किनको सिम्टम है, उनका टेस्ट हो, उनको अलग किया जा सके अगर उनको पे इन्फेक्शन है तो, इससे कारण जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड जो है रोका जा सके। तो हमने ऑलरेडी हम देखा केरला जो है आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश इन्होंने काफी अच्छा किया है, काफी कम केसेज है यहाँ पर और कॉन्टेक्ट ज्यादा केसेज स्प्रेड भी नहीं हो रहे हैं। तो ये इन्होंने ही सजेशन दिया राइटर ने कि भाई हमें पंचायत और लोकल बॉडीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, वहाँ के लोकल जो कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व करने की जरूरत है। इसके अलावा दिया है कि इसमें लोगों को फियर रहता है कि भाई हॉस्पिटल नहीं जाते हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो कैसे रहेंगे, वहाँ बहुत क्राउड है हमें और बीमारी हो जाएगी, तो इसको रोकने के लिए क्या है कि भाई अरेंज टेस्टिंग एट होम। तो हमें जो जितने भी केसेज है जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स लोगों के बीच में उसको हमें टेस्ट करने की जरूरत है, घर पर ही उनको टेस्ट किया जा सके, जो कम्युनिटी वॉलेंटियर्स है जिनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दी गई है वो जा करके उनको टेस्ट कर सके, उनको समझा सके। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए। यंग वॉलेंटियर्स कैन बी इक्विप्ड विद थर्मामीटर एंड फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये हम उसको दे सकते हैं थर्मामीटर दे सकते हैं ऑक्सीमीटर दे सकते हैं ताकि वो आसानी से जो बिल्डिंग्स है विलेजेस है एरिया में जाके लोगों को जांच सके, और अगर किसी को सिम्टम ज्यादा है तो उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जा सके अगर सिम्टम ज्यादा हो जाता है तो। इसके लिए अब किसको यूज करेंगे इसका भी इन्होंने सजेशन दिया कि हम कैसे इतने आदमी को लेके आएंगे भाई। तो एक आपका नेशनल सर्विस स्कीम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर में है, 1969 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये ऐसे वॉलंटियर्स इन ये लोगों को हम यूज कर सकते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प जो एनसीसी है ये काफ़ी ट्रेंड होते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं इस चीज़ों में कि वो लोग घर जा करके लोगों का सर्वे कर सके, और अगर किसी को ज़्यादा बीमारी सिम्टम ज़्यादा है तो उसको टेस्ट कर सके वहीं घर पर ही, थर्मामीटर ले आकर टेस्ट कर सके। यंग पर्सन ये इसलिए इन्होंने इसलिए कहा है कि भाई यंग जो लोग हैं उनको रिस्क ज़्यादा नहीं होता इन्फेक्शन का, वो ज़्यादा बीमार नहीं होते, माइल्ड सिम्टम्स ही होता है, तो इसीलिए हम इनको यंग पर्सन को यूज करना ज़्यादा खतरा नहीं है, अगर वो हॉटस्पॉट में जाते भी तो ज़्यादा खतरा नहीं है। जो शॉर्टेज ऑफ स्किल हेल्थ केयर है जैसे हम बात कर रहे थे कि जो स्किल्ड पर्सन हेल्थ केयर पर्सनल जो है वो उतना नहीं है, हेल्थ केयर जो नर्सेज हैं डॉक्टर्स हैं इसको हम कैसे भी एड्रेस करेंगे, अभी हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं शॉर्टेज है। इसके लिए उन्होंने सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट कैन क्रिएट अ ईयर लॉन्ग शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो एक शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसे आर्मी में होता है उसी तरह हेल्थ के लिए भी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो गवर्नमेंट स्टार्ट कर सकती है 1 साल के लिए, क्योंकि ये जो बीमारी है अभी जो 1 साल कम से कम है ऐसा, तो साल भर के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टार्ट कर सकती है जिसमें कि वो हम डॉक्टर को रिक्रूट कर सकते हैं जो कि जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं
उनको आप रिक्रूट कर सकते हैं इस मिशन में। उसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है जिनकी क्लिनिक बंद हो गई है अभी, मान ली बंद है लॉकडाउन के लिए, तो वो उनको हम इसमें ला सकते हैं, ताकि जो हमारा शॉर्टेज है, जो लोगों डॉक्टर्स की नर्सेज का शॉर्टेज जो है, उसको हम भर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ प्रोफेशनल हमारे पास आ सके जांच करने के लिए, इलाज करने के लिए। तो वी नीड टू स्टेप अप हेल्थ अवेयरनेस कंपेन। इसके अलावा इन्होंने सजेशन एक और दिया है कि हेल्थ अवेयरनेस जो है कि भाई आपको हाथ धोना है, आपको है ना जो टच करना है किसी चीज़ को, तो जो भी सामान लेके आप उसको धोना है, आपको सैनिटाइजर यूज करना, मास्क यूज करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ अवेयरनेस जो है ये हमको और बढ़ाने की जरूरत है। गांव गांव में, शहर शहर में लोगों को जानने की जरूरत है। इसके लिए मास मीडिया तो है ही, जैसे मास मीडिया क्या आपका प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया। इसके अलावा हमें कम्युनिटी लीडर जो होते हैं, लोकल इन्फ्लुएंसर, जैसे कि हर गाँव में अगर आप देखें या फिर कास्ट में देखें, तो उसके एक लीडर होता है जिसकी बात लोग वहाँ के ज़्यादा मानते हैं, तो उनको हमें अप्रोच करने की जरूरत है। उन गुरु जो गुरु हो गए आपके, जो धर्म गुरु हो गए, लीडर्स हो गए, पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, उनको हमें अप्रोच करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो है ये हेल्थ अवेयरनेस जो इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ के लोगों को पहुँचा सके, और लोग उनकी बात ज़्यादा मानते हैं तो ज़्यादा वो उसको फॉलो करेंगे। तो ये इन्होंने सजेशन अच्छा दिया है। जैसे वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है आपका, ट्रेड यूनियन हो गया, बिजनेस एसोसिएशन हो गया, इन सभी लोगों को हमें अप्रोच करने की जरूरत है, ताकि इनके जो मेंबर्स हैं जैसे बिजनेस एसोसिएशन हैं, CII, निक्की, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन से अप्रोच कर सकते हैं, कि वो उनके जो मेंबर्स हैं, 2 हजारों लाखों मेंबर्स होते हैं, वो अपने मेंबर्स के पास ये क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन पास कर सके कि भाई आपको कैसे, आप मास्क लगाना है, हॉटस्पॉट में नहीं जाना है, आपको घर से कम निकलना है, ये सारी चीज़ें उनको एजुकेट कर सके। तो ये एक सजेशन हो गया आपका। उसके अलावा हॉटस्पॉट के अंदर भी हमें जरूरत है माइक्रो सर्विलेंस की, ताकि जो हम जल्द से जल्द उसको लोगों को ढूंढ सके और उसको अलग कर सके, अगर वो ऑलरेडी कोविड में है और जो सही है अभी, उनको हम दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन से अलग कर सके। फिजिकल डिस्टेंसिंग जो सब में डिफिकल्ट है, लेकिन उसके अलावा मास्क और हैंड वॉशिंग वहाँ पे कर सकते हैं कि भाई आप ना मास्क पहने, जो है स्लम जैसे हम धारावी में देखा, तो क्योंकि लोगों के बीच में जगह काफ़ी कम है, घर जो सटे सटे हैं, तो वहाँ पे हमको मास्क दे सकते हैं, हैंड वॉशिंग के लिए समझा सकते हैं कि हैंड वॉशिंग आप कीजिए रेगुलरली। वाटर की शॉर्टेज है तो म्यूनिसिपलिटी वहाँ पे वाटर टैंकर लगा सकती है, ताकि लोगों को हाथ धोने में आसानी हो। तो ये सारी चीज़ सजेशन इन्होंने दिया है बेसिकली, कि एक तो आपका है, मैं सनम कर देता हूँ, एक तो है कि पंचायत कम्युनिटी लीडर्स को हमें लेने की जरूरत है, ताकि हम जो लोगों तक पहुंच सके और जो हमें मैन पावर कम है उसको हम बढ़ा सके, अपना सर्वे कर सके गांव में, शहरों में, हर गली नुक्कड़ में। और ये लोग जो है जैसे लोगों के बीच में जो एक आइसोलेशन है, क्या नाम है, फियर है कि हॉस्पिटल जाने से दिक्कत, बीमारी हो जाएगी, तो उसके लिए हमें उसको घर पर ही टेस्ट करना है। उसके अलावा जो है हम की है ना मैन पावर शॉर्टेज जो है, तो हम शॉर्ट सर्विस कमीशन में लोग डॉक्टर को ले सकते हैं। हेल्थ अवेयरनेस हमको और बड़ा करने की जरूरत है, माइक्रो सर्विलेंस करने की जरूरत है, पानी और जो बाकी जरूरत है सोप की स्लम में, उसको हमें पहुंचाने की जरूरत है। ये सारा सजेशन बेसिकली इन्होंने दिया है कोविड को लेकर के। इसको आप हेल्थ जो है तरह से हेल्थ क्राइसिस में GS Paper 2 में आप इसको लिख सकते हैं। ये अगला आपका एडिटोरियल ये है पर ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग क्राइसिस, ये बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लेकर के इन्होंने दिया है, कि PM केयर्स फंड का जैसे कि इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं किया गया, तो उसको लेकर के उन्होंने और कुछ बताया है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन जो है छुपाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को, स्पेशली क्राइसिस के टाइम में। और जो गवर्नमेंट जब अगर लोग सिटीजन अगर गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो ये सही चीज़ है, क्योंकि तो डेमोक्रेसी में ये चाहिए कि सिटीजन पार्टिसिपेशन और ओवरसाइट बहुत ही जरूरी है। तो अगर सिटीजन को लोग नागरिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप PM केयर फंड का कितना पैसा है वो बताइए, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम लेके आई वो बताइए, तो ये सारा चीज़ सही है डेमोक्रेसी के लिए, तो ये होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया कि RTI क्या है बेसिकली, इट इज क्रूशियल दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलीफ मेजर्स बी वाइडली डिसिमिनेटेड। तो जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट ने लिया रिलीफ को लेकर के, जैसे कि आपका हो गया फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको लेकर के इन्फॉर्मेशन जो है गवर्नमेंट को देना चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, उससे ज़्यादा ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसको जान सके, और अगर वो उनको बेनिफिशियरी है, वो अगर उनको बेनिफिशियरी है, उनको चाहिए, वो उसके हकदार हैं, तो वो उसको ले सके। अगर आपके पास आपको मालूम ही नहीं होगा कि भाई है ना फूड ग्रेन आप ले सकते हैं फ्री में, आप PDS का आपको इंटाइटलमेंट है, तो आप लेंगे कैसे? इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपका
कि भाई है ना ये इतना क्वांटिटी है, चीजों का सामान का दाम इतना है, कहाँ कहाँ पे आप ले सकते हैं, बेनिफिशरी का डिटेल, ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप पब्लिक डोमेन में नहीं डालेंगे, लोगों के तक पहुंचाएंगे नहीं, तो लोग ज्यादा उसको जो उनका राइट है कि हमें फूड ग्रेन को मिलना चाहिए जो सर है, वो नहीं ले पाएंगे। ग्रेटर ओपननेस वुड प्रिवेंट कंट्रोवर्सीज ऑफ काइंड एग्जेम्प्लीफाइड बाय फॉल्टी टेस्टिंग किट्स एंड फेक वॉलंटियर्स, फेक वेंटिलेटर्स। तो ये जो बेसिकली है ना ओपननेस के कारण इसको है ना कम किया जा सका आपको। तो ये सारी चीजें जो जैसे कि अब बेड का है, आपका हॉस्पिटल में बहुत सारे बोला जा रहा है कि बेड नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कि बेड है, प्राइवेट हॉस्पिटल बोल रहा है बेड नहीं है, तो इसको हमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन जाने की जरूरत है। जैसे कि अभी ऑनलाइन ऐप किया गया है कि ऐप में दिखाया जाए कि बेड है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है जरूरत है सरकार को कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में रहे, लोग उसको देख सके और जान सके, ये सही चीज है। तो ये सारा बेसिकली बताया गया है यहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने जैसे कहा है। उसके अलावा इन्होंने दिया है कि जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन जो हैं वो बंद हैं, वो केसेस नहीं लिया जा रहा है, तो ये गलत है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है जो अर्जेंट केसेस है उसको सुना जाना चाहिए ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। तो ये सारा बेसिकली इन्होंने ओपननेस को लेकर के लिखा है कि कैसे ओपननेस जो है जरूरी है, स्पेशली एपिडेमिक्स के समय में, ऐसे एपिडेमिक्स के समय में भी काफ़ी जरूरी है ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। और जो लोगों का राइट्स है, राइट्स के आपका मान लीजिए आपका कोई राइट, सिटीजन का जो राइट है, वो हक जो है वो कैसे मिलेगा, जब आपको पता है कि मेरा यहाँ हक भी है, तो जब आपको पता ही नहीं है कि मेरा हक है फूड ग्रेन लेना, पीडीएस में मेरा हक है, आप लोगे कैसे। इसीलिए आपको जरूरत है कि सरकार की जरूरत है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा लोग तक पहुँचाए, जाके जिनको हक, जिनके लिए वो स्कीम है वो आ करके अपना हक ले सके। तो ये बेसिकली यही है आपका इस एडिटोरियल में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है जयशंकर टू अटेंड चाइना रसिया ट्रायलेटरल। तो ये बेसिकली रिक जो है आपका रसिया इंडिया चाइना ट्रायलेटरल जो है ये अटेंड किया जा रहा है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर अटेंड करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आज। तो ये रिक ग्रुप के बारे में ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ पिछले एडिटोरियल में, पिछले दिनों के एडिटोरियल में। ये बेसिकली ट्रायलेटरल ग्रुप है आपका रसिया इंडिया और चाइना के बीच में, रसिया इंडिया और चाइना RIC, जो कि 2002 से एनुअली मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जैसे बेसिकली 19% ऑफ ग्लोबल लैंडमास जो है आपका रसिया चाइना इंडिया करता है, 33% ऑफ जीडीपी जो ग्लोबल जीडीपी ये इस कंट्री के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो ये बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका कि मीटिंग जो है इंडिया अटेंड कर रहा है अभी। इसके अलावा एक और ग्रुप है आपका जापान USA इंडिया, इसको जय शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। ये बेसिकली 2018 में ही एक तरह से इन्फॉर्मल ग्रुप है, क्योंकि 2018 का G20 समिट में ये तीन देश मिले थे और ये ग्रुप बनाया गया था। तो बेसिकली इतना आपको जानने की जरूरत है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, प्रीलिम्स के लिए आप जान सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1565 और कामाख्या फेस्टिवल साइंस फेयर। तो ये बेसिकली जो कामाख्या मंदिर है आपका असम में, वहाँ पे अंबुबाची फेस्टिवल होता है एनुअली, जो कि आपका मार्किंग द एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ प्रिसाइडिंग गॉडेस, जो वहाँ पे काली जी है उनका एक एनुअल फेस्टिवल होता है, मेंस्ट्रुएशन फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि इस साल जो है बेसिकली बिना लोगों के मनाया जा रहा है, उतना लोग वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोग आने का मना ही है पहली बार 500 साल में। तो हर साल अच्छे से मनाया जाता है, इस साल कोविड के कारण इसको उतना लोगों को इजाजत नहीं है। तो हमें जो जानने की जरूरत है इसमें कामाख्या टेम्पल के बारे में, अम्बुबाची फेस्टिवल आप समझ गए ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा कामाख्या टेम्पल को भी आप जान लीजिए, आपका प्रीलिम्स में आपको आ सकता है। ये शक्ति पीठ है, 51 शक्ति पीठ है इंडिया में बेसिकली, इसमें से एक शक्ति पीठ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिकली शक्ति पीठ होते हैं यहाँ पे जो सती है, सती थी उनका कुछ बॉडी पार्ट्स गिरा है ऐसा माना जाता है जो पुराणों में, कि उनका बॉडी पार्ट वहाँ गिरा है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक बॉडी पार्ट जो कामाख्या मंदिर में गिरा था, जिसके कारण वहाँ शक्ति पीठ है। इस जो कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल हिल पे लोकेटेड है और नॉर्दर्न स्लोप, नॉर्दर्न फेस स्लोप्स डाउन टू ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से गुजरती है आपका। और ये जो अगर पुराणों की बात करें तो बताया गया कि किंग नारासुर ने इसको बनाया था, लेकिन कुछ पुराणों में इसके बारे में बताया गया कि कोच किंग नारायणा ने इसको बनाया था, फिर से बनाया था मतलब टूटने के बाद। तो ये बेसिकली आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट है आपका हिस्ट्री, प्रीलिम्स में हिस्ट्री और कल्चर में, इसको आप ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन अगर आए प्रीलिम्स में तो इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे लोकेटेड है जियोग्राफी इसका, आसाम में स्टेट है आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे साइड से है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आर्टिकल पूरी रथ यात्रा गेट कंडीशनल नोट, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसको मना किया था रथ यात्रा कराने से, अभी इसको कंडीशन के साथ, शर्तों के साथ इसको इजाजत दी है।
भाई उतने ही लोग जो है ना आपको रात को खींचेंगे जो कि कोविड-19 जो निगेटिव आ चुके हैं, जिनका टेस्टिंग हो चुका है कोविड-19 निगेटिव है, वो वैसे लोग को ही अलाउ किया जाए, 500 ज़्यादा लोग वहाँ पे अलाउ नहीं हो। तो ये विजुअल सीसीटीवी से आप उसको प्रचार करें, ज़्यादा लोग को आपको अलाउ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। मेन जो आपका है पूरी रथ यात्रा क्या है, इसको आपको जानने की जरूरत है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो पूरी रथ यात्रा क्या है बेसिकली, ये जो है काफी पुराना ओल्डेस्ट रथ यात्रा माना जाता है। ये हर साल मनाया जाता है आपका आषाढ़ मंथ में। इसमें क्या है, जगन्नाथ मंदिर के जो डीटी हैं, जो मंदिर है आपका जगन्नाथ जी हैं, उनके भाई बलभद्र है, उनकी बहन जो सुभद्रा है, ये तीनों जो है अपनी मौसी माँ जो है उनकी गुंडीचा मंदिर है वहां जाते हैं 9 दिन के लिए। तो रथ यात्रा जो जगन्नाथ मंदिर से निकलती है 9 किलोमीटर जा करके, ये बालांगिरी चका पूरी में ही है जहाँ पे गुंडीचा मंदिर है वहां जाके रुकती है। यहाँ पे जो तीनों देव हैं आपका जगन्नाथ जी बालभद्र जी सुभद्रा जी, ये यहाँ पे 9 दिन रुकते हैं, 9 दिन वहां पे रहते हैं। उसके बाद वापिस इनकी रथ यात्रा जो है वापिस मंदिर पूरी मंदिर आती है, जिसे कहा जाता है बहुधा यात्रा। वापिस का जो जर्नी है इसको बहुधा यात्रा कहता है, बहुधा यात्रा, और इसको कहा जाता है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये बेसिकली मंदिर रथ यात्रा की कहानी है, इसको आप ध्यान रखें, आर्ट एंड कल्चर में ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। नेक्स्ट आपका है चाइना टू ज्वाइन यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। तो चाइना ने एग्रीमेंट किया है कि वो जो यूएन आर्म ट्रीटी है इसको ज्वाइन करेगा। तो ये बेसिकली ट्रीटी क्या है इसको हम ध्यान ले लें, इसमें बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। यूएन आर्म ट्रीटी जो है बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो है आर्म्स में, चाहे वो स्मॉल और छोटे आर्म्स हो या फिर बैटल टैंक्स बड़े बड़े आर्म्स हो, सबको कंट्रोल करने का रेगुलेट करने का एक ट्रीटी बनाया गया था यूएन इंटरनेशनल में, जो 2014 में फोर्स में आया। ठीक है, ट्रीटी कॉल्स फॉर इंटरनेशनल सेल ऑफ वेपन्स टू बी लिंक्ड टू द ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ऑफ बायर। तो मतलब जिसको आप बेच रहे हैं, सरकार बेस जो है बेचते हैं किसी को आर्म्स, तो आपको देखना है ध्यान रखना है कि उसका जो वो लोग है उसको जिसको आप बेच रहे हैं वो उसको मिसयूज नहीं करें टेररिज्म के लिए, या फिर किसी गलत काम में उसको यूज नहीं किया जाए। इसमें ट्रीटी में कहा गया कि मेंबर कंट्री जो कि इसके मेंबर है इस ट्रीटी के, वो रिकॉर्ड रखेंगे जितना भी उन्होंने वेपन्स बेचा है, और टू प्रोहिबिट क्रॉस बॉर्डर शिपमेंट्स दैट कैन बी यूज फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन अटैक ऑन सिविलियंस। तो आपको बेचना जो है वैसे लोगों को बेचना है जो कि सही हो, वैसे देश या ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी आर्म्स बेचा जाता है, तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बेचना है जो जिसका कि ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा हो, जो कि उसको मिसयूज नहीं करे वीपन्स को ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए या फिर टेररिज्म अटैक के लिए यूज नहीं हो जाए उसको, ऐसा ध्यान रखना है मेंबर कंट्री जो इसके मेंबर हैं। ओरिजिनली इसको 130 कंट्री ने साइन किया था, अभी लेकिन 101 देशों ने ही इसको रेटिफाई किया है, मतलब कि 101 देश जो है इसको मानते हैं ट्रीटी को, इंडिया इसमें सिग्नेटरी नहीं है, ये आप ध्यान रखें। यूनाइटेड स्टेट्स जो है ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि ये इससे बाहर निकलेगा, अभी इसका पार्ट है लेकिन उसको बाहर निकल रहा है ये यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बेसिकली ट्रीटी है आपको इंटरनेशनल रिलेशन में, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है डीआरआई बस्ट सिंडिकेट स्मगलिंग एक्सोटिक मकाउस फ्रॉम बांग्लादेश। ये बेसिकली अभी डीआरआई ने डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो है इन्होंने जो स्पेसीज होते हैं एक्सोटिक स्पेसीज जो फौना है मकाउस, इनका एक ट्रेड इलीगल ट्रेड हो रहा था इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, उसको पकड़ा है। इसमें बेसिकली जानने की आपको जरूरत है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, साइट्स के बारे में जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है आपका WCCB कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ये 2007 में बनाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। तो एक बेसिकली स्टेचुटरी बॉडी, जैसे मैंने शुरू में बताया वो कि ये पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर बनाया गया है, तो ये स्टेचुटरी बॉडी है, 2007 में बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट जो है मिनिस्ट्री उसके अंदर काम करता है। इसका काम क्या है बेसिकली कि ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम जो होता है, मतलब जो पक्षियों में लोगों जानवर में का जो ट्रेड होता है और इलीगल ट्रेड, उसको रोकना, ये इसका बेसिकली काम है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और जो साइट्स कन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन इसके बारे में हम देखेंगे अभी नीचे में, इसके लिए नोडल एजेंसी है, मतलब कि इसका जो कन्वेंशन का जो रूल्स है जो इंडिया ने साइन किया है तो इसको इंप्लीमेंट करना बेसिकली इसका काम है। तो साइट्स बेसिकली क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब एनिमल एनिमल और प्लांट दोनों के लिए अगर कोई इंडेंजर्ड जो स्पीसीज है जो कि बहुत कम पाए जाते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, वैसे स्पीसीज का जो ट्रेड होता है इंटरनेशनल उसको रोकने का
काम जो है इस कन्वेंशन के द्वारा होता है, इसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट के बीच का कन्वेंशन, मतलब इसमें एनजीओज या प्राइवेट प्राइवेट पार्टी जो है ये नहीं है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के बीच में कन्वेंशन है। ये करता क्या बेसिकली, जो ट्रेड है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स में, उसको रेगुलेट करता है, मैं रोकता नहीं, रेगुलेट करता है कि भाई ऐसा नहीं हो, इतना ट्रेड नहीं हो, ये इलीगल तरीके से ट्रेड नहीं होना चाहिए, ताकि इनका जो सर्वाइवल है, जो स्पेसीज है, जो गिनती है उनकी, वो विलुप्त हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान ये रखता है साइंस। ये लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पे, मतलब कि जो अगर इंडिया ने इसको साइन किया है तो ये लीगली बाइंडिंग है कि वो उसका तो इसको इम्प्लीमेंट करे, अगर नहीं करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और हर देश, जो भी देश इसके पार्टी जो मेंबर है इसके साइट्स के, उनको अपने अंदर कानून बनाना है अपने देश में, और ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इंडिया ने भी इसके लिए कानून बनाया है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, और जो हमने देखा ये ब्यूरो बनाया गया है, तो ये सारा चीज़ इंडिया ने भी किया है। तो हर देश को अपना जो है डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बनाना है जो कि इसके अनुरूप हो, इस कन्वेंशन के इम्प्लीमेंट करता हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एडिटोरियल और एनालिसिस, हिंदू एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें आप, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एडिटोरियल मिस नहीं करें। इंडियन पॉलिटी का लेक्चर है जिसको आप देख सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, एफिशिएंसी है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, और मुझे आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ज़रूर आप फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।